वेलकम बैक टू एम बी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पाइथन सीरीज़ में एक नया कोड करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन को इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो डाउनलोडर का कोड बनाएंगे, एक वीडियो बनाने का कोड बनाएंगे बेसिक सा। तो इसमें हम बेसिकली दो लाइब्रेरीज को यूंगे। फर्स्ट है टिंकर कैट, टिंकर जो कि GUI वगैरह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी है PyTube। ठीक है, PyTube जो है वो डाउनलोड इवेंट्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने आउटपुट की तरफ। यहाँ पे मैंने एक MB Academy के यूट्यूब चैनल का एक लिंक पेस्ट किया हुआ है, और डॉट मैं आपको आगे चल के बताऊँगा डॉट मैंने क्यों यूज़ किया है। सेफ पाथ के से मैंने डॉट को इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए मैं अभी बता देता हूँ आपको, डॉट को बेसिकली मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि डॉट उस जगह पे इस्तेमाल होता है जिस डायरेक्टरी में फाइल सेव हो, उसी डायरेक्टरी में जो वीडियो आएगी वो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी में पहले ही ऑलरेडी मेरी फाइल सेव थी, तो जैसे ही मैंने किया तो वहाँ पर मेरी वीडियो डाउनलोड होगी। अभी हम कोड पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं किंटर को इंपोर्ट करूँगा, और वहाँ से मैं टीके लेबल और एंट्री लेबल एंट्री एंड बटन, ठीक है, ये किंटर से मैं ये चीज़ें इंपोर्ट कर लूँगा। आप चाहें तो सारा भी किंटर को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप स्टार लगा दें तो उससे सारे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट थिंग ये है कि हमारे पास जो दूसरी लाइब्रेरी हमने यूज़ करनी है, हम PyTube की करेंगे। फ्रॉम PyTube इम्पोर्ट यूट्यूब। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे यूट्यूब भी इम्पोर्ट करवा ली है, और यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन लिखेंगे वीडियो डाउनलोडिंग का। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लिखेंगे हम, डाउनलोड वीडियो। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लूँगा जिसमें मैंने बेसिकली URL को सेव करवाना है। तो यहाँ पर मैं करूँगा वीडियो URL, और ये URL एंट्री यहाँ पे मैं करूँगा इज़ इक्वल टू URL एंट्री डॉट गेट। डॉट गेट एक फंक्शन है किंटर का, जो कि मैं इस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कोई भी चीज़ आपको एंटर करने में मदद, मतलब कि कोई भी चीज़ आपने लेनी हो, गेट करनी हो, तो वो उससे आप डॉट गेट के इस्तेमाल करते हुए आप कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सेव का पाथ का एक वेरिएबल बना लूँगा। सेव पाथ आप मतलब कि जिस डायरेक्टरी जिस फोल्डर में आप वीडियो को सेव करना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेव पाथ, और सेम उसी तरह से क्योंकि मैंने ये एक इनपुट लेनी है कह सकते हैं आप यूज़र से कि किस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं, तो वो सेम उसी तरह से सेव डॉट गेट कर लिया मैंने। नेक्स्ट हम करेंगे ट्राई। ट्राई और एक्सेप्शन एक पाइथन का कॉन्सेप्ट है कि आप ये भी इफ़ एल्स की तरह ही हैं, अगर ये नहीं चलेगा तो दूसरा चल देगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि ट्राई है, ठीक है, उसमें आप कुछ काम करें और अगर उसके बाद एक्सेप्शनल केसेस कुछ आ गए तो वो दूसरी चीज़ में स्टोर होंगे। तो यहाँ पे मैंने YT एक यूट्यूब वेरिएबल बनाया, यूट्यूब जो कि मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है, और यहाँ से उसमें से मैं पास करवा दूँगा वीडियो का URL, मतलब कि जो वीडियो का लिंक है उसमें से पास करवा दूँगा। यहाँ पे मैं एक स्ट्रीम का भी वो बनाऊँगा वेरिएबल YT डॉट स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स यूट्यूब का फंक्शन है, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्ट्रीम्स। ये देखें पहले जो मैंने लिखा वो स्ट्रीम लिखा, वो मैंने खुद एक वेरिएबल बनाया, लेकिन जो ये स्ट्रीम है ये यूट्यूब का फंक्शन है जो कि वीडियो को देखेगा। और फर्स्ट जो जो यूज़ करते हैं, फर्स्ट हम यूज़ करते हैं हाईएस्ट क्वालिटी की वीडियो को डाउनलोड करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 4K वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो उसकी 4K वीडियो को ही डाउनलोड करेगा, और जैसे ही वो स्ट्रीम में स्टोर हो जाएंगे तो मैं देन कर दूँगा स्ट्रीम डॉट डाउनलोड, और इसका जो आउटपुट पाथ है वो मैं रखूँगा सेव पाथ के इक्वल, मतलब कि जो कि सेव पाथ यूज़र एंटर करेगा उस वहाँ पे ये आउटपुट पाथ वहाँ पे सेव हो जाए। ठीक हो गया जी, और देन वो जो मतलब कि उसके बाद जब ये हमारा काम हो जाए तो वो एक मैसेज प्रिंट करवा दें या मैसेज शो करवा दें नीचे डाउनलोड कंप्लीटेड। तो उसी तरह से मैं ये प्रिंटर को यूज़ करते हुए करूँगा स्टेटस लेबल डॉट कन्फिग्रेशन टेक्स्ट इज़ इक्वल टू डाउनलोड कम्प्लीटेड। ठीक है जी, ये हमारा ट्राई का केस हो गया। ट्राई का केस मतलब कि ये हमारा होगा तो ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शनल केसेस डिफरेंट हो सकते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में आपका नेटवर्क का मसला आ सकता है, एक्सेप्शनल केसेस में आपका वीडियो के लिंक का मसला आ सकता है, तो वो उसमें हम एक्सेप्शन करेंगे। तो इसी तरह से एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने एक्सेप्शन के क्लास का, और यहाँ पर हम लिखेंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और इशू आ जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटस लेबल डॉट कन्फिग्रेशन, मतलब कि उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अगर तो फॉर एग्जांपल उसके अलावा कुछ एरर्स आते हैं तो वो पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू एरर्स
इस तरह से हम कर लेंगे एरर्स, ये आ जाएगा हमारा एरर आ जाएगा, ठीक है, ये प्रिंट हुआ आ जाएगा और देन ये हमारे ऊपर शो हो जाएगा। और देन हम जो बेसिकली स्टोर कर शो करवाना चाह रहे हैं कि इशू क्या है, तो वो स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा। ई एक्सेप्शन केसेस मतलब लिंक का कोई इशू है तो वो शो कर देगा, नेटवर्क का कोई इशू है तो वो शो कर देगा, तो ये एरर प्लस str e से हो जाएगा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमारा ये एक अपना हमारा जो फंक्शन है वो बन गया है वीडियो डाउनलोडिंग का। नेक्स्ट हम जो काम करने लगे हैं वो हम एक बेसिक सा जियो क्रिएट करने के लिए करने लगे हैं। तो विंडो इज़ इक्वल टू, ठीक है, कर लिया हमने विंडो, यहाँ से हमारी एक विंडो क्रिएट हो जाएगी, डिस्प्ले जिसे कह लें आप क्रिएट हो जाएगा। और इसका हम टाइटल रख लेते हैं विंडो डॉट टाइटल, इसका हम टाइटल रख लेते हैं वीडियो डाउनलोडर, ये बड़ा वीडियो वीडियो डाउनलोडर, ठीक है जी। ये हमारा जो डिस्प्ले सामने आएगा, एक जो एप्लीकेशन बेसिकली सामने आ जाएगी, तो उसका नाम जो है वो ये सामने आ जाएगा वीडियो डाउनलोडर के नाम से। अब नेक्स्ट हम अपना काम करेंगे डिफरेंट, जैसे लेबल करना है, फॉर एग्जांपल कुछ ऊपर मैसेज प्रिंट करवाना है वो करेंगे, तो URL लेबल 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 जो विजेट है प्रिंटर का, वहाँ से विंडो विंडो का पैरामीटर पास करवाएंगे और एक टेक्स्ट पास करवा देंगे, ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट इज इक्वल टू वीडियो URL, मतलब कि वीडियो का जो आपने URL बेसिकली ऊपर URL एंट्री डॉट गेट में किया हुआ है तो वो यहाँ से होगा, ठीक है जी। वीडियो URL हो गया, यहाँ पे यू आर एल डॉट पैक पैक कर दिया हमने, ठीक है जी, डन हो गया जी। पैक आपको पता है कि पैक हम करेंगे तो फिर वो बेसिकली स्क्रीन पे शो करवाएगा, अगर आपने ये नहीं करेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं करवाएगा इस चीज़ को। इसी तरह से हम दूसरी हम विजिट लेते हैं जो कि है एंट्री, फॉर एग्जांपल ये एक सर्च बॉक्स की तरह होता है जिसमें आपने कुछ एंटर करना होता है, तो ये एंट्री है, ये भी किंटर का ही है, किंटर का विजिट है, विंडोज़ का पैरामीटर पास करवा देंगे यहाँ से, और उसको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विजिट इसकी जो विड्थ है वो हम 50 रख देंगे, 50 पिक्सल PX में होती है ये, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वो PX में होती है। अगेन सेम उसी तरह से URL एंट्री को हम पैक कर देंगे, ये हमारा URL आ गया कि जो हमने उस पर पेस्ट करना है। एंड सेकंड थिंग जो हमने करनी है अब दूसरे नंबर पे, एक तो हमने URL लिया हुआ है, दूसरा हमने लिया हुआ है जो जिसमें हमने सेव पाथ करना है, मतलब फॉर एग्जांपल जिसमें जिस लोकेशन पे आपने कोई चीज़ सेव करनी है वो वाली। अगेन सेव लेबल लेबल विंडोज़ को पास करवाएंगे, टेक्स्ट इज़ इक्वल टू सेव पाथ, ठीक है जी। ये मैसेज हमारा प्रिंट आ जाएगा ऊपर, और इसके नीचे ही हमने जो अपना सर्च बार सा बनाना है वो बनाएंगे हम, पहले इसको हम वो कर लेंगे पैक कर लेंगे, सेव लेबल डॉट पैक कर लिया। एंड नेक्स्ट जो हमारा विजिट आएगा वो आएगा हमारी बेसिकली इसके ही नीचे, जिसमें हमने कुछ अपना एंटर करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो सेव एंट्री इज़ इक्वल टू विजिट एंट्री यूज़ करेंगे, अगेन विंडोज़ का पैरामीटर पास करवाएंगे, और अगेन उसी तरह से ही उसकी भी विड्थ हम 50 PX रख देंगे, और इसकी विड्थ हम रखेंगे 50, ठीक हो गया जी। हमारा ये काम हो गया काफ़ी हद तक। नेक्स्ट हमारा जो काम रह गया, मेन मेन काम रह गया, वो हमारा एक बटन क्रिएट करना रह गया। यहाँ पे हम करेंगे डाउनलोड बटन, इज इक्वल टू बटन विंडोज, विंडो का पैरामीटर पर पास करवा देंगे, और जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, जो बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो होगा जी हमारा डाउनलोड का टेक्स्ट। और बटन के हिस्से में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो कमांड देनी होती है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ बटन को कुछ काम भी तो देना है, तो वो काम हम बेसिकली ये वाला फंक्शन जो ऊपर बनाया हुआ हमने वीडियो डाउनलोडिंग का, जो जिससे वीडियो बेसिकली डाउनलोड होगी, जिससे ये फंक्शन चलेगा, तो ये कमांड हमने देनी है, ठीक है। जब भी आप बटन पर प्रेस करेंगे, जब भी आप बटन को प्रेस करेंगे तो ये कमांड करेगा, ये फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है जी। एंड अगेन उसको प्रिंट करने के लिए हम जैसे शुरू से करते आ रहे हैं एंट्री डॉट लेवल पैक या सेव पाथ डॉट लेवल पैक,
तो उसी तरह से हम इसको भी डाउनलोड बटन डॉट पे करेंगे। ये टिंकर टिंकर का आप सेंटेक्स कह सकते हैं कि ये ज़रूरी होता है अगर आपने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है जी। और आगे जो हमारा जो लास्ट थिंग रह गई है कि स्टेटस लेबल्स है, लेबल है फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ जो होती है तो उसके बाद उससे प्रिंट भी तो करवाना है ना कि जी ये एरर आया है या ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है, तो उसने प्रिंट भी तो करवाना है। तो लेबल विंडोज़ टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे हम खाली रखेंगे। हम क्यों रखेंगे यहाँ, तो क्योंकि ऊपर स्टेटस लेबल्स जो है वो यहाँ तो डाउनलोड कम्प्लीटेड का आएगा, यहाँ जो हमने ऊपर एरर स्टोर करवाए हुए हैं जो एक्सेप्शनल केसेस में आएंगे तो वो वाले आएंगे, तो इसलिए हम इस टेक्स्ट को खाली रख देंगे, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट को इसलिए हमने खाली रखा है। एंड अगेन हम इसको स्टेटस लेबल डॉट पैक कर देंगे, डॉट पैक कर देंगे, और लास्ट पे हमारा जो रह गया है विंडो डॉट मेन लूप करेंगे। मेन लूप यहाँ पे जो हमारा बेसिकली कंटर का कहने कि एक फंक्शन ख़त्म हो गया, और जी यू आई को रन करने के लिए विंडो डॉट मेन लूप ये बार बार उसको कॉल करेगा, बार बार चलाएगा, तो ये इसलिए हमने किया है विंडो डॉट मेन लूप। जो जी यू आई कोई भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसको उसके यूज़ के लिए आप करते हैं इसको। तो ये हमारा कोड हो गया है जी। तो अब हम बढ़ते हैं इसके आउटपुट की तरफ। मैं आपको एक दफ़ा इसके आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने एक वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे डॉट लगाने का अक्सर मकसद मैंने आपको आगे भी बताया कि जिस डायरेक्टरी में ये फाइल सेव होगी उसी डायरेक्टरी में ये वीडियो को डाउनलोड करेगा, ठीक है जी। इस डायरेक्टरी में ये सैम्बी अकेडमी के फोल्डर में मैंने ये फाइल स्टोर की हुई है वीडियो वीडियो के नाम से। ये देखिए उसी तरह से वीडियो यूआरएल नीचे आप लिंक पेस्ट कर सकते हैं, देन सेव पाथ देन बटन है, तो ये देखिए वीडियो डाउनलोड कम्प्लीटेड का मैसेज आ गया और इसी तरह से ये वीडियो डाउनलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एम बी अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।